उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच छिड़ी जंग से पूरा देश वाकिफ है, लेकिन दशहरे के दिन इन दोनों के बीच शक्ति प्रदर्शन की रैली ने दुश्मनी की खाई को और चौड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे ने जून में 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन और बीजेपी के सहयोग से उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया और साथ ही शिवसेना पर अपनी दावेदारी ठोक दी। अब आगे बीएमसी चुनाव है, ऐसे में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक तरफ तो असली नकली शिवसेना का युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ महाराष्ट्र को यह भी दिखाने की कोशिश है किसमें कितना है दम। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब जनसमुदायाला मैं विनम्र अभिवादन करतो। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का पावर शो। छत्रपति शिवाजी महाराज की। महाराष्ट्र में छिड़ी गदर और गद्दारी की जंग। 56 साल बाद दशहरा रैली पर बट गई शिवसेना। सबसे पहले दशहरा रैली में जुटी भीड़ से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के शक्ति प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं। 56 साल के इतिहास में यह पहली बार था जब दो जगहों पर दशहरा रैली आयोजित की जा रही थी। पहले तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने से लेकर एक दूसरे के लोगों को तोड़ने की होड़ दिखी और इस रेस में एकनाथ शिंदे बढ़त बनाते दिखे। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे गुट ने भी माना कि एकनाथ शिंदे की रैली में ज्यादा लोग थे, लेकिन उद्धव गुट ने ये भी कहा कि जब तक एकनाथ शिंदे बोलने के लिए खड़े हुए आधे से ज्यादा लोग निकल चुके थे। ठाकरे गुट का दावा है कि शिवाजी पार्क में हुई उद्धव की रैली में 2.5 लाख लोग पहुंचे और बीकेसी ग्राउंड में एकनाथ शिंदे की रैली में 3 लाख लोग। इसके उलट पुलिस का दावा है कि उद्धव ठाकरे की रैली में 1 लाख लोग पहुंचे और एकनाथ शिंदे की रैली में 2 लाख लोग शामिल हुए। शिवाजी पार्क की क्षमता 80,000 है और बीकेसी मैदान में 1 लाख लोग जुट सकते हैं। जब देश भर में बुराई का रावण धधक रहा था, जब उद्धव और एकनाथ शिंदे एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और अब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के भाषणों की चर्चा देश भर में हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिव सैनिक कटप्पा को माफ नहीं करें। एकनाथ शिंदे बोले, हमने गद्दारी नहीं गदर किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा, इस बार रावण 50 खोखे का है। एकनाथ शिंदे बोले, 2019 में बाला साहेब के विचारों से गद्दारी की गई। 50 खोखे वाले रावण से उद्धव ठाकरे का इशारा महाराष्ट्र में उनकी कुर्सी गिराने के लिए विधायकों को दिए गए कथित 50 करोड़ के प्रस्ताव से था। ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच गद्दारच म्हणणार, पण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली
ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या जन्मी तरी पुसून पुसता येणार नाही, पुसायचा म्हटलं तरी पुसता येणार नाही। गद्दारी झाली। इसके जवाब में शिंदे ने भी कहा, अगर उद्धव हमें गद्दार और खोखा सुर बोल रहे हैं तो हाँ, ये गद्दारी हुई है। वो भी तो गद्दारी थी जब 2019 में बाला साहेब ठाकरे के विचारों को छोड़कर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई। गद्दारी झाली, पण गद्दारी झाली ती 2019 ला गद्दारी झाली। ज्या निवडणुका आपण लढवल्या त्या निवडणुका लढवल्यानंतर जी आघाडी केली त्याच वेळेस गद्दारी झाली। होय, इस वक्त उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच दो तरह से लड़ाई चल रही है। पहली लड़ाई, असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है। दूसरी लड़ाई 2023 के शुरुआत में होने वाले बीएमसी चुनाव में दमखम को लेकर। उद्धव ठाकरे भले ही महाराष्ट्र की सत्ता गवा बैठे, लेकिन वो बीएमसी चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। और एकनाथ शिंदे भी ये दिखाना चाहते हैं कि असली शिवसेना वही है, और बीएमसी चुनाव में भी वो उद्धव ठाकरे को पटखनी देंगे। इसीलिए वो बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे रख रहे हैं और हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं। गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने खुद को ताकतवर और असली शिवसेना साबित करने के लिए ठाकरे परिवार के कई सदस्यों को अपने मंच पर बिठाया। एकनाथ शिंदे के साथ उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, उनकी पूर्व पत्नी रश्मि ठाकरे के साथ साथ बाला साहेब ठाकरे के बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे के बड़े बेटे निहार ठाकरे भी नजर आए। एकनाथ शिंदे ने आनंद दिघे को भी अपने साथ बिठाया, वो आनंद दिघे जिनको बाला साहेब ने कार्यकर्ता बनाया था। बाल ठाकरे के तीन बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव। बिंदु माधव की मौत एक हादसे में हो गई। जयदेव के साथ परिवार के रिश्ते ठीक नहीं थे और वो अलग रहते हैं। बाला साहेब ठाकरे अपनी ज्यादातर संपत्ति उद्धव के नाम कर गए थे, मातोश्री बंगला भी उनके नाम कर दिया था। कल एकनाथ शिंदे के रैली में उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे, उनकी पत्नी स्मिता ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई के बेटे दिखाई दिए। कहीं ना कहीं जब से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं, उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि बाला साहब ठाकरे का नाम एकनाथ शिंदे इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके जो पिता है उनका नाम और काम चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एकनाथ शिंदे ने जो करीबी परिवार वालों को उद्धव ठाकरे के अपने स्टेज पर बुलाया था दशहरा रैली में, वो ये बताने के लिए था कि ठाकरे परिवार के कुछ ऐसे भी फैमिली मेंबर्स हैं जो एकनाथ शिंदे के साथ है, यानी कि बाला साहब ठाकरे के परिवार का आशीर्वाद उनके जो शिवसेना है उसके साथ भी है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश दशहरा रैली में की गई। बिंदु माधव के बेटे निहार शिंदे भी शिवसेना में शामिल हो गए। ठाकरे परिवार की तीसरी पीढ़ी से एक और शख्स ने राजनीति में कदम रख दिया है। तो जयदेव, स्मिता और निहार को अपने साथ मंच पर लाकर शिंदे ने उद्धव को एक और बड़ा और तगड़ा झटका दे दिया है। मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।